So, भाई फिलहाल के लिए आज हम करने वाले हैं डीजल विटारा ब्रेजा वर्सेस TUV 300 जो कि ऑटोमेटिक गियर के अंदर है और साथ ही इसमें देखोगे ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के अंदर है। और सबसे पहले हम इसकी करते हैं आज टोचन। सबसे पहले आप राउंड वन देखो और उसमें बंदर को बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, उसके बाद बातचीत करते हैं कि क्या रहेगा वीडियो के अंदर, क्या सार नहीं रहेगा। सबसे पहले करते हैं इसका राउंड वन स्टार्ट। कैमरा पकड़ लेंगे गर्वित भाई और करते हैं अभी स्टार्ट। तो भाई करवा स्टार्ट। 1 2 3 आप भी भाई जान लगाओ, क्या कर रहे हो? जान लगा लो। बस भाई रोक दो, फर्स्ट राउंड हो चुका है अपना, बराबर से हिसाब लिखाओ भाई, कुछ ज्यादा वो गलत तो लग रहा है क्या भाई? क्या एक्सपीरियंस किया आपने? वो खींच ही नहीं पाई उसे एक झटके से भी लिया तब भी नहीं खींच पाई। भाई क्या एक्सपीरियंस किया आपने? आधे पहला राउंड अभी तक चल रही है वीडियो काट ली। सो भाई जो इसका पहला राउंड रहा है देखो, गाड़ी भाई साहब हिलाई भी नहीं गई, ठीक है, और देख रहे हो टायर कितने घिस गए यार, मतलब क्या ही था, मैं मतलब क्या ही कहूँ, कुछ है मतलब बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। और ये वाले जो टायर मैं पहले बता देता हूँ इसके नहीं है, विटारा ब्रेजा के, चाहे तो आप इसके टायर विड्थ देख लो और इसकी देख लेना, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा पहला राउंड, अब इसका दूसरा राउंड चालू करते हैं और दूसरे राउंड में देखते हैं कौन विनर रहता है। मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन जीता और आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी बेस्ट रही, TUV या फिर विटारा ब्रेजा। रुक जाओ अब तो भाई इसका स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा राउंड, चलो। नहीं भाई नहीं नहीं खींच पा रही, बस 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 बस। सो भाई जैसा कि आपने देखा भाई बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है, दोनों गाड़ियों ने बराबर। तो भाई ये मैच जो है ना वो टाई हो चुका है, ये मैच हो चुका है टाई, मतलब हिलाई नहीं पाई उसे, तो मैच हो चुका है टाई, हम इसमें कोई भी विनर घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों का जो है एवरेज है वो भाई बराबर रहा है, लेकिन अगर बड़े इंजन की बात करोगे तो बड़ा इंजन है इसमें, क्योंकि 1.5 लीटर का डीजल इंजन है इसमें और उसमें है 1.4 लीटर का डीजल इंजन। तो वीडियो को इतने रखते हैं, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अमेजिंग कंटेंट था, गाड़ी ऑटोमेटिक भी थी, ठीक है, तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना।